समास पढ़ाए, अव्ययभाव समास, और समास का दूसरा टॉपिक है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में अपन इसके अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ क्या होता है। पहला टॉपिक आता है अर्थ। अर्थ किसे कहेंगे, यानी कर्मधारय समास क्या होता है। देखो, कर्मधारय समास वह समास होता है जिसके दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्मधारय समास के दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ठीक है। तो ये तो है अपने अर्थ की बात। कर्मधारय समास के दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में अपन अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ क्या होता है, कर्मधारय समास के दोनों पदों में, जो दो पद होते हैं, दो पद में, जैसे पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, इन दोनों पदों में कौन सी आनी चाहिए, समान विभक्ति आनी चाहिए। समान विभक्ति वहां कर्मधारय समास होता है। ये तो हो गई इसके अर्थ की बात। अब अपन इसमें प्रकार की बात करते हैं। कर्मधारय समास के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार तो कर्मधारय समास सामान्य रूप से चार प्रकार में होता है। पहला आता है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ये तो हुआ पहला। दूसरा आता है इसमें उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास, उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास, ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है अपने पास में उपमेय पूर्वपद कर्मधारय समास, उपमेय पूर्वपद कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। और तीसरे की चौथे की बात करें उपमानों उभय पद कर्मधारय समास, कर्मधारय समास चार प्रकार का होता है। पहला होता है विशेषण विशेष कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण होता है, बाद वाला पद विशेष होता है। दूसरा होता है उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद उपमान आता है, बाद वाला पद उपमेय आता है। तीसरा होता है विशेषण उपमेय पूर्व पद कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद उपमेय आता है और बाद वाला पद उपमान आता है। और चौथा उपमानों उभयो पद कर्मधारय समास, जिसमें दोनों पद उपमान के रूप में जाना जाता है, वो होता है कर्मधारय समास। तो ये तो चार प्रकार से कर्मधारय समास के प्रकार बात हो गए। विशेषण विशेष कर्मधारय समास वह समास जिसमें पहला पद विशेषण होता है, बाद वाला पद विशेष होता है। दूसरा उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास वह समास जिसमें पहला पद उपमान, बाद वाला पद उपमेय होता है, कर्मधारय समास। तीसरा है उपमेय पूर्व पद कर्मधारय समास वह समास जिसमें पहला पद उपमेय और बाद वाला पद उपमान आता है। और चौथा होता है उपमान उभय पद कर्मधारय समास वह समास जिसके दोनों पद उपमान के रूप में जाने जाते हैं, वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। तो इन चारों में से अपन एक पहला वाला पढ़ेंगे, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। चारों में से नंबर एक पहला होगा विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। यहां पर अपन वापस टॉपिक लिखते हैं। पहला नंबर एक विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, वह कर्मधारय समास जिसमें पहला पद बाद वाले पद की
विशेषता बताता है। वह कर्मधारय समास जिसमें पहला पद बाद वाले पद की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, उसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें कि उदाहरण कैसे आएंगे। जैसे यहां पर पहला लिखा मैंने सुंदर बालक, सुंदर बालक। अब देखो यह पहला पद, ये वाला पहला पद और ये बाद वाला पद, ये तो हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद, ठीक है। ये पहला पद यानी पूर्व पद, ये उत्तर पद यानी बाद वाला पद। अब इसका विग्रह करते हैं अपन, विग्रह करेंगे समास। ये तो सामासिक शब्द है, सामासिक शब्द, इसका क्या करना है अपन को, समास विग्रह करना है। समास विग्रह देखो, विग्रह कैसे करेंगे, दोनों में समान विभक्ति लगाएंगे। तो इसमें प्रथमा है तो बाद वाले में भी प्रथमा आएगी, सुंदर बालक इति, ठीक है, सुंदर बालक इति। दोनों में कर्मधारय समास में क्या कहा गया, वह कर्मधारय वह समास जिसके दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वहां होता है कर्मधारय समास। फिर कर्मधारय समास में अपन ने पहला प्रकार पढ़ा विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, वह कर्मधारय समास जिसमें पहले पद में पहला वाला पद बाद वाले पद की विशेषता बताता हो वहां कर्मधारय समास विशेषण कर्मधारय समास होता है। यहाँ पहला पद और बाद वाला पद देखो, यहां पहला पद क्या है विशेषण और बाद वाला पद क्या है विशेष्य। पहला पद विशेषण और बाद वाला पद विशेष्य। यहां जो सुंदर शब्द है ये सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की। किसकी विशेषता बताता है, बालक की। तो जहां पहला पद बाद वाले पद की विशेषता बताता हूं वहां पर होता है कर्मधारय समास। यहां सुंदर बालक, बालक शब्द की विशेषता बता रहा है सुंदर, तो जो सुंदर विशेषता शब्द है ये क्या हो गया विशेषण, और जो बालक शब्द है ये क्या हो गया विशेष्य। विशेषण कैसे करते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम पदों की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छी तरह याद रखना सुंदर बालक, इसका समास विग्रह करेंगे सुंदर बालक इति। ये तो हो गया पहला वाला उदाहरण। अब इसके बाद के अपन उदाहरण देखते हैं कि वो बाकी के उदाहरण कैसे बनेंगे। सामासिक पद इसका लिखा अपन ने सुंदर बालक, दूसरा है नील कमलम, रक्त कमलम, वीर पुरुष, इसके बाद में आता है सुपुरुष, महर्षि, ठीक है ना। देखो यहां पहले वाला शब्द समझ लिया अपने, दूसरा शब्द है नील कमलम। अब ये कमलम नपुंसक लिंग शब्द आ रहा है, तो नपुंसक लिंग आ रहा है तो इसके दोनों शब्दों में नपुंसक लिंग विभक्ति लगानी। इसका जब विग्रह करेंगे अपन नीलम कमलम इति, रक्त कमलम का रक्तम कमलम इति, वीर पुरुष का करेंगे तो वीरह पुरुषह इति, सुपुरुष का करेंगे, सु का मतलब होता है अच्छा, अच्छों को संस्कृत में बोलते हैं शोभना, शोभनः पुरुषः इति इति। महर्षि इसका बनेगा महान, ऋषि इति। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास के पहले वाले भाग में उदाहरण बनाए जा सकते हैं। बात करते हैं अपन विशेष्य विशेष विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास की।
कि वह कर्मधारय समास जिसमें पहला पद बाद वाले पद की विशेषता बताता है वहां पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास होता है। ये सामासिक पद है और ये इनका विग्रह है। यहाँ पहला शब्द है सुंदर बालक, इसका समास विग्रह करा तो दोनों में समान विभक्ति लगानी, सुंदर बालक इति। दूसरा है नील कमलम, इसका समास विग्रह करेंगे नीलम कमलम इति। रक्त कमल, इसका विग्रह करेंगे रक्तम कमलम इति। वीर पुरुष का करेंगे वीरह वीरह पुरुषः इति, दोनों में प्रथम विभक्ति या दोनों में इस नपुंसक लिंग फल के शब्द की प्रलय विभक्ति। शुपुरुष, इसका विग्रह करेंगे शोभनः पुरुषः इति। महर्षि, इसका विग्रह करेंगे महान ऋषि इति। इति का मतलब होता है ऐसा। ये तो कर्मधारय समास का पहला वाला भाग हुआ। अब अपन इसके दूसरे भाग की बात करते हैं कि दूसरे भाग में उसके उदाहरण कैसे बनेंगे। कर्मधारय समास का दूसरा वाला भाग, इसका दूसरा वाला भाग है वो है अपने पास में उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास। उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास, कर्मधारय समास देखो, उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास में क्या होता है, वह समास जिसमें उपमान व उपमेय दो पद विद्यमान होते हैं। विद्यमान होते हैं वहां होता है उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास। दो पद होते हैं यहां, एक तो होता है उपमान और एक होता है उपमेय। उपमेय, अब ये उपमान और उपमेय क्या होता है देखो, उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए और उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। ऐसे शब्द आए जिसमें पहले वाले शब्द से दूसरे वाले शब्द की तुलना की जाती है वहां पर होता है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। जैसे उदाहरण में अपन देखते हैं तो उदाहरण में मैंने यहां लिखा चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब इसमें अपन विग्रह इसकी बात करें तो विग्रह में अपने पास में दो पद हैं, एक तो है चंद्र और एक है मुख। इसका विग्रह करेंगे तो यहां हो जाएगा चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम। इव का मतलब होता है समान, बराबर होना। इव शब्द का मतलब होता है समान होना। चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। तो यहां मुख शब्द है वो क्या है उपमेय, और यहां चंद्र शब्द है वो क्या है उपमान। क्या है उपमान, जहां वह कर्मधारय समास जिसमें उपमान और उपमेय दो पद विद्यमान होते हैं। उपमान और उपमेय, उपमान क्या होता है उपमेय क्या होता है, तो देखो उपमान वह पद होता है जिससे तुलना की जाए और उपमेय वह पद होता है जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है और जिससे तुलना की जा रही है वह क्या होता है उपमान होता है। क्या होता है उपमान, मैं यहां पर अच्छे से लिख देता हूं ताकि पहचान लेना। पहला है उपमान, उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, तुलना की जाए। और दूसरा है उपमेय, इसका मतलब क्या होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, तो यहां मुख की तुलना किसके साथ में की जा रही, चंद्र के साथ में की जा रही। और तुलनावाचक शब्द कौन है अपने पास में इव। इव शब्द है जो दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है तुलना के योग में। तो चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। दूसरा वाला देखते अपन, दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे सामासिक पद और विग्रह। विग्रह में पहला शब्द था अपने पास में चंद्रमुख, इसका अपन ने विग्रह करा तो क्या बना चंद्र एव मुखम, चंद्र एव मुखम। इसका अर्थ होता है चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के
समान मुख, ठीक है। दूसरा है अपने पास में घन श्याम, इसका बनेगा घन एव श्याम, घन एव श्याम, घन श्याम, इसका बनेगा घन के समान। घन का मतलब होता है बादल, बादल के समान श्याम, बादल के समान श्याम, ये हो गया घन एव श्याम। चंद्रमुखम चंद्रयु मुखम, घन श्याम घन एव श्याम, घन का मतलब बादल होता है, बादल के समान श्याम। इसके बाद में दूसरे की अपन बात करें, यहां पर चंद्र वदनम, इसमें पहला पद उपमान और दूसरा उपमेय, इसका बनेगा चंद्र एव वदनम, चंद्र एव वदनम। तो ये तो हो गया अपने पास में दूसरा भाग। दूसरा कर्मधारय समास का दूसरा भाग है उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास, वह समास जिसमें उपमान और उपमेय दो पद विद्यमान होते हैं उन्हें कहा जाता है कर्म, उपमान और उपमेय पद विद्यमान होते हैं उसे कर्मधारय उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है? तो उपमान वह पद होता है जिसमें पहले वाले पद से बाद वाले पद की तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। तुलनावाचक शब्द अपने पास में क्या होता है, इव। इव शब्द का मतलब होता है अपने पास में यहाँ पर समान, जो दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे समाप्त कर देता है। चंद्र इव मुखम, इसका बना चंद्र इव मुखम, चंद्र मुखम का बना चंद्र इव मुख, इसका अर्थ होता है चंद्रमा के समान मुख। दूसरा शब्द है घन इव श्याम, तो इसका बनेगा घन इव श्याम, घन के समान श्याम, ठीक है। तो ये तो अपने पास में दो पद हो गए इसके। कर्मधारय समास वह समास जिसमें दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वह कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के प्रकार की बात करें तो कर्मधारय समास चार प्रकार का होता है, उनमें पहला पद होता है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, दूसरा पद होता है उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। दोनों अपन ने आज पढ़े। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में तो पहला पद बाद वाले पद की विशेषता बताता है, वह विशेषण विशेष्य होता है। और उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास में दो शब्द होते हैं, पहला होता है उपमान और बाद वाला पद होता है उपमेय। यहाँ उपमान वह होता है जिससे तुलना की जा रही हो, और उपमेय पद वो होता है जिसकी तुलना की जा रही हो। अब वहां पहचानेंगे कैसे कि कौन सा समास कर्मधारय समास का है और कौन सा समास इसमें आता है। तो देखो, अगर दो समास के उदाहरण लिख रहा हूं मैं, पहला जिसे मैंने लिखा कृष्ण सर्प, और दूसरा है यहां पर चंद्रमुख। अब इसमें अपन को अंतर करना है कि ये कौन सा किस भाग का उदाहरण है। देखो, कृष्ण सर्प, यहां कृष्ण शब्द सर्प शब्द की विशेषता बता रहा है कि सर्प कैसा होता है, काला, कृष्ण यानी काला। तो यह तुलना करने के योग में, यानी यहां तुलना करने का जैसा कोई अर्थ होता नहीं, यहां सिर्फ दोनों के बीच में क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, क्या बताई जाती है, विशेषता। और जहां पर विशेषता बताई जाती है वहां का क्या आएगा, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या बनेगा, कृष्णः सर्पः इति। दूसरा है चंद्रमुखम, अब यहां तुलना की जा रही है, क्या की जा रही है, तुलना, जहां तुलना की जा रही है वहां किसका प्रयोग करेंगे, ईव का, है ना। तो इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा चंद्रः इव मुखम, चंद्रः इव मुखम, चंद्रमुख हो गया, ठीक है। तो अब यहां से पहचान क्लियर होती है अपने पास में कि शब्दों को कैसे पहचानेंगे, कि कौन सा अपन को उपमान पूर्व पद समास लिखना है और कौन सा चंद्रमुखम समास लिखना है, उपमेय पूर्व पद कर्म सा। तो जहां पर विशेषता बताई जाती हो, जहां पहला पद बाद वाले पद की विशेषता बता रहा हो, वहां पर समास हो जाएगा अपने पास में विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, इसमें बनेगा विशेषण विशेष्य, ठीक है। और जहां पर तुलना की जाती हो तो वहां पर बनेगा अपने पास में उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास, उपमान पूर्व पद, ठीक है। समास तो दोनों में एक ही, कर्मधारय, ठीक है।
ठीक है ना। तो आज ही कर्मधारय समास के दो भाग अपन ने पढ़े, पहला पढ़ा है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और दूसरा भाग पढ़ा है अपने उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास। दोनों की पहचान यहाँ से क्लियर हो जाती है कि कैसे पहचानेंगे। अगर जिसमें पहले पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो, जहां विशेषता बताने वाले शब्द आता हो वहां पर क्या होगा, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास होगा। और जिसमें दोनों के बीच में क्या बताई जाती हो, तुलना की जाती हो, दोनों के बीच में तुलना की जाती हो, तुलना करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इव का, तो वहां पर अपने पास में समास कौन सा होगा, उपमेय उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना। अब इसके बाकी के जो दो समास है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।